क्वेश्चन ही उठाते हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे थे, रिप्लेसमेंट खत्म करना हमको। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 46, एग्जाम का क्वेश्चन है, आरटीपी में भी डाला। आरटीपी समझते हो ना आप लोग? हाँ, इससे कभी नहीं आता है। ठीक, जब आरटीपी बनाते हो तो ऐसा लगता है यार इतना आसान है, और जब पेपर बनाते हो तो हालत खराब, दोनों अलग अलग चीजें। तो लिखा है, द जनरल मैनेजर ऑफ मैरी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ 5-year-old इक्विपमेंट। ठीक है, द कंपनी हैज टू इनकर एक्सेसिव मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, द इक्विपमेंट हैज 0 WDV। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? बुक वैल्यू है या नहीं? नहीं, जीरो है। तो काम की चीज ये है कि ओल्ड मशीन की अभी बुक वैल्यू जीरो है। ये लिखते हुए चलना कॉपी। पहला रूल्स यही है कि क्वेश्चन में जो काम काम की चीज है हम लिखते हुए चलें। आगे शब्द लिखा है, इट कैन बी मॉडर्नाइज्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,40,000, एनहेंसिंग इट्स इकोनॉमिक लाइफ टू 5 years। क्या कहना चाहता है? ओल्ड मशीन में ही कुछ मॉडर्नाइजेशन के लिए काम हो रहा है, जिसमें खर्च कितना आ रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू आपके लेवल का नहीं, 11th का है। तो 1,40,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप इस पे 1,40,000 खर्च कर देते हो तो इसकी लाइफ कितनी हो जाएगी? 5 साल। और इसके बाद इक्विपमेंट कितने में सोल्ड कर पाओगे? 30,000। अगर आप डेवलपमेंट वाला या मॉडर्नाइजेशन वाला काम करते हो तो। ये किसके विषय में इंफॉर्मेशन है अभी? ओल्ड के। तो मॉडर्नाइजेशन वुड हेल्प इन मटेरियल हैंडलिंग और एक्सेट्रा, लेबर का मेंटेनेंस का खर्च बच जाएगा, ये बता रहा है। अब आगे और कहानी क्या, जरा देखते हैं। द कंपनी हैज अनदर अल्टरनेटिव टू बाय अ न्यू मशीन। बोले न्यू मशीन भी खरीद सकते हो। उनका यह कहना, ओल्ड में क्यों पैसा खर्चा कर रहे हो भैया, सीधा सीधा न्यू खरीदो। और न्यू कितने की आएगी? 350,000। लाइफ है 5 साल। और सैलवेज कितना है? 8,000। द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू मोर एफिशिएंट इन रिड्यूसिंग। और बोले अगर नई खरीद, वैसे डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन करने में फायदा है, पर नई खरीदने से और भी फायदा है। ठीक, अभी हमारे पास दो ऑप्शन दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एनुअल कॉस्ट दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, वेजेस एंड सैलरी है, सुपरविजन है, मेंटेनेंस वगैरह, ये सब खर्च। अभी जब हम मॉडर्नाइजेशन भी नहीं करवा रहे हैं और न्यू मशीन भी नहीं खरीद रहे हैं तो कितना खर्च आता है? 1,20,000। पर उसमें हम मॉडर्नाइजेशन वाला काम करवा लेते हैं, मतलब हम ये वाला काम 1,40,000 लगाते हैं, तो फिर हमारा खर्चा कितना आएगा? 70,500। इट मीन्स पैसा बचा, कितना हर साल का खर्च बच जाएगा? 49,500। उसकी अपेक्षा यार थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाओ यार, नहीं खरीद लो, तो फिर आपका जो खर्च है ना सिर्फ 39,500 रह जाएगा। तो बोलो कितना पैसा बचा है? वो मैं नहीं जाना, आप सोच समझ के बोलना कि कंपैरिजन किसके साथ करना है, एग्जिस्टिंग से ये करे या ये करे, इसे कंपैरिजन करेंगे। ठीक, कहानी थोड़ी बहुत मेरे समझ में आ रही है इस क्वेश्चन में कि दो ही ऑप्शन पूछे। अगर हम मॉडर्नाइजेशन करते हैं तो
कैश आउटफ्लो कितना आएगा जाएगा 41, और कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। कैश इनफ्लो में आपको इंक्रीमेंटल सीएफएटी निकालना पड़ेगा, वही है ऊपर क्या आएगा इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो निकाल लेंगे हम। तो एक बार ये इसको लेके डिसीजन लेना पड़ेगा और एक बार इसको लेकर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक। टैक्स का रेट कितना है 50%, और डिस्काउंटिंग रेट कितना है 10%। कंपनी को क्या मॉडर्नाइज करना चाहिए इक्विपमेंट को, या फिर न्यू मशीन खरीद लेनी चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, और डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा। तो अल्टरनेटिव वन पे चले, कितना खर्चा करें 41 खर्च मॉडर्नाइजेशन, तो लिखते हैं मतलब ऑप्शन नंबर वन करके लिखते हैं, काम वैसे ही होगा जैसे वर्किंग नोट बाद में करेंगे, ठीक है डिसाइड होगा। एनपीवी निकाल रहे हैं ना, एक दो तीन चार, इधर क्या जाएगा हमारा ये, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 10% अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू, सबसे पहले क्या आएगा कैश नहीं, मुझे नहीं मालूम यहां क्या लिखना चाहिए, ये हो क्या रहा है, ये काम क्या कर रहा है एक्चुअली, मुझे बस मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। तो पहले से कोई मशीन है हमारे पास, उसमें होता है ऐसे उसको बेच रहे हो क्या, उसको अपग्रेड कर रहे हो, तो उसमें कितना खर्चा लगा रहा है 140, सीधी सी बात है। यहाँ क्या लिखूं, क्या सॉफ्टवेयर लिखना, और कोई ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, और सर इंक्रीमेंटल लिख दिया तो नंबर कटेगा कि नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, टेंशन वाली बात नहीं है। कैसा सॉफ्टवेयर में क्या लिखूं, नहीं नाम कॉस्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वाओ क्या नाम खोज, जीरो वन कितना रुपया लग रहा भाई 140,000 और 1,00,000, और ये बस गोल्ड मशीन को बेच रहे हो ऐसा तो नहीं है, नहीं इसके लिए मुझे नहीं लगता कैलकुलेटर लगेगा आपको, टोटल सीधा ये कर लो 1,40,000। इंक्रीमेंट कैश इनफ्लो और यहां क्या जाएगा इंक्रीमेंटल सी एफ ए टी, वर्किंग नोट नंबर, नहीं नहीं मैं सुनना चाहता हूँ, हाँ बोलो जैसे कहाँ पे लिखने से, कहाँ पे लिख,
मतलब इनका ये, आप ये कह रहे हो जो डिफरेंस है वो यहीं लिख देते सीधा। चलो हो चुका टैक्स डेप्रिसिएशन CFAT, सर सीधा बोलो ना, उधर ही लिखना है। हाँ उधर ही लिखना है। मैंने बोला पीछे वाला बोला, जो भी बोले पीछे वाला, मैंने कुछ वर्किंग नोट नंबर कैलकुलेशन ऑफ CFAT। अब CFAT एक बार नहीं दो बार निकालना है ना, तो यहां मैं नाम लिख देता हूं मॉडर्नाइजेशन। हाँ एक्सपेंसेस हम यहाँ अलग अलग नहीं करते, टोटल करके करेंगे, मतलब सेविंग इन एक्सपेंसेस लिख सकते, सेविंग्स इन एक्सपेंसेस। बताना न्यू मशीन से रिलेटेड कितने खर्चे हैं, मतलब ये मॉडर्नाइजेशन 70,000 या ये वाला कितना है 120 माइनस 70,500 सीधा लिखेंगे। 120,000 माइनस 70,000 49,500। इसको कुछ और नाम दे सकते हैं, किसका कुछ और नाम है CFBT। माइनस क्या करोगे, डेप्रिसिएशन या इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। पुरानी मशीन का इंक्रीमेंटल आना चाहिए ना यार, यहाँ जब आप इंक्रीमेंटल CFBT ले रहे हैं तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन, न्यू मशीन तो कुछ है ही नहीं इसी मशीन का, क्योंकि अब आपने मॉडर्नाइजेशन किया है तो 1,40,000 खर्च हुआ है, और ये मशीन क्योंकि खर्च हो चुका है तो 5 साल बाद कुछ बिकेगी कि नहीं बिकेगी ये सब, 30,000 तो माइनस क्या कर देंगे हम लोग 30,000, और डिवाइड किससे करोगे 5। ये डेप्रिसिएशन किसका आया, अगर आप मॉडर्नाइजेशन करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो डेप्रिसिएशन कितना था, अगर जैसा था वैसे ही चलने दो तो 0। अभी सर तो अब जो आया उसका नाम क्या रहा, PBT 49,500 माइनस 22,000 27,500। टैक्स, टैक्स का रेट 50% है, 13,750। CFAT आ गया, इंक्रीमेंटल CFAT, और इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 35,700। ठीक हो गया, चलो तो बस 1,25,000 35,750। फैक्टर्स (3.79) ठीक। okay.
इंक्रीमेंटल टर्मिनल वैल्यू फिफ्थ ईयर तो न्यू मॉडर्नाइजेशन का किया तो 30,000 इस पे कोई टैक्स लगेगा क्या? यही दिक्कत है मालूम है, मैं आपकी कमजोरी पकड़ रहा हूँ, यहाँ आते हो ना तो दिल आपका पता नहीं धड़कने लगता है। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं, बाकी लोगों की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ आने के बाद ना शांत हो जाते हैं, भगवान कोई जवाब दे और हम लिखे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। माइनस जीरो तो 30,000 कैपिटल गेन में कमजोर थे, मतलब आप फिफ्थ ईयर का फैक्टर बताएगा कोई 0.621 × 30,000 1863 और तो कुछ है नहीं, टोटल मारते हैं। वन टू थ्री तो एनपी भी आ जाएगा, आंसर क्या दिया वही 1412। सुनो बच्चों सुनो, बताओ एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट? हाँ सॉरी आप नहीं फंसे, मैं चाहता था कोई बोल दे तो ये होगा ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू पे आ जाते और इसमें क्या कर रहे हो आप, रिप्लेस ऑप्शन टेबल वैसी ऐसी बननी है, ऑप्शन टू रिप्लेस। चलो रिप्लेस वाला काम करें, ऑप्शन नंबर टू रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहाँ, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लोस, सबसे पहले क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितने की है, 1,50,000 और ओल्ड मशीन कितने की बेचोगे, 5 साल बाद बेच सकते हो कि नहीं? ओल्ड मशीन की सर्विस नहीं है, अच्छा कुछ लगाओगे तो पाओगे, हाँ। कहता अगर न्यू मशीन में कुछ करोगे भैया तो बिकेगी, अभी तो वैसे भी खत्म हो चुकी है वो मशीन, अगर उसमें कुछ 1:40 लगाते हो ना तब उसकी सैलवेज हो पाएगी, पर वो तो कर ही नहीं रहे, हम तो उसको आज ही खत्म कर रहे हैं। तो
बस खत्म। ये आ गया 3,50,000। कुछ भी दिया होता कि यार आज जो ओल्ड मशीन है आज इतने की बिक जाती तो 100% माइनस। अगर लिखा रहता कि आज ओल्ड मशीन 20,000 की बिक जाएगी क्या करते, कहानी बड़ी हो जाती। इसका आपको डर था ना वही होता फिर इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लोस में से में आ जाएगा इंक्रीमेंटल PF80 वर्किंग नोट नंबर 2125 3.79 हाँ करो ना यार। सबसे पहले सेविंग्स इन एक्सपेंसेस, पहले पुरानी मशीन का कितना था यार खर्चा 39,500 तो बचा, बताइए कितना बचा लोगे। माइनस क्या करोगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, कितने की थी मशीन 3,50,000। 3,50,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 कितना 50,000। तो ये आ गया पीबीटी कितना 22,500। टैक्स का रेट है 50%, तो 11,250। तो CFAT आ गया इंक्रीमेंटल CFAT 1-2 69,200। तो 69,250 इंटू 3.79 2,645। फिफ्थ ईयर का फैक्टर क्या है 6:1 60,000 3,7,2,6 2,99,7,18 एनपी भी नेगेटिव आ गए। भाई नई वही के चक्कर में मत पड़ो, जो है चलने दो उसको मॉडर्नाइज कर, देख देते मॉडर्नाइजेशन इज बेटर।
पर नई गाड़ी 10 साल चलेगी कम से कम, तो पुरानी गाड़ी 4-5 साल में फिर चेंज करना पड़ेगा। आज कैपिटल वेस्टिंग करेंगे हम पक्का, आज पक्का पूरा हिसाब किताब करेंगे। आज की डेट क्वेश्चन नंबर 51 हो गया है क्या? पहले पहले 48 करते हैं, 48 अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, पहले फ्लो वाले सारे क्वेश्चन हो जाए, पहले 48। लिखा HMR लिमिटेड रिप्लेसिंग अ मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन विथ अ फुली ऑटोमेटेड न्यू मशीन। ठीक, ओल्ड मशीन हैज बीन फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस, मतलब बुक वैल्यू जी, और बुक वैल्यू 240,000 दिया है भाई, ये क्या चीज, वही अकाउंट्स के साथ जो मशीन है उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई, ये सब प्रॉब्लम है, इसलिए इट कैन नॉट पैच मोर देन 30,000, ये क्या चीज है भाई, इफ सोल्ड इन द मार्केट एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट अभी बेचोगे तो 30,000 की बिकेगी, इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड 1 लाख फॉर द ओल्ड मशीन एज ए ट्रेड इन ऑन द न्यू मशीन विच हैज ए प्राइस बिफोर अलाउंस ऑफ ट्रेड इन 4,50,000। क्या कहना चाहता भाई, ओल्ड मशीन रखी है आपके पास, मार्केट में जाओगे तो कितने की बिकेगी, 30,000 की, नई मशीन खरीदोगे कितने की पड़ रही है, 4,500, और फिर वो मुझे सप्लायर बोल रहा कि सुनो ना ओल्ड रखी है, कि मैंने कहा बोले 1,00,000 रुपए में काट लेंगे, क्या करूं, मार्केट में 30,000 में, इधर 1,00,000 रुपए में, तो इसकी एक्चुअल में मेरे लिए मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,00,000, इसको आप सेल्स कंसिडरेशन भी बोल सकते। ठीक, कैपिटल गेन टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, सेल्स कंसिडर नहीं आएगा, देखो सेल्स आज कितने की बिकेगी मशीन, 1,00,000 की, मान लो बुक वैल्यू आज की 70,000, बुक वैल्यू तो यहाँ 0 है ना यार, नहीं है, इग्नोर कैपिटल गेन, पहली बात है जहां भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा, हालांकि इसमें है कि नहीं हमने आगे नहीं पढ़ा, हाँ तो फिर वैसे भी इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स ही चलेगा। ठीक, हाँ ये लिखा था, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ न्यू मशीन है 10 साल और सेल्वेज कितना है 35,000। अगर कहानी में यहां से स्टार्ट करूं तो सेल ऑफ न्यू मशीन कितना आएगा, सेल ऑफ नहीं पर कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 4,500 माइनस सेल ऑफ ओल्ड मशीन कितना, 1,00,000, चले यहाँ तो कोई वो हो गया हमारा इंक्रीमेंटल वाला पार्ट, फिर आएगा हमारा इंक्रीमेंटल CFAT, तो इसके लिए डेटा दिया है, एक बार पढ़ देते। फर्दर द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड बट फॉर टैक्स पर्पस, WDV मेथड डेप्रिसिएशन 7.0। ओहो टाइम पास क्यों कर रहा है भाई, क्या बोल रहा है,
एक लाइन में बोल देते डब्ल्यू डी बी लगाओ, हम लगा देते। रेट क्या लेना? 7.5 कोई रेट होता है। और एक बात और लिखा है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, तो वो तो पता है आपको कैसे करना। देखेंगे सर, जो होगा देखेंगे। गिवन बिलो आर एक्सपेक्टेड सेल्स एंड कॉस्ट। वाओ, सब दिया है। सुन, सेल्स दिया है, मटेरियल कॉस्ट। एक तो ये तरीका कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के करें, या फिर एक तरीका है कि कहां तक जाना हमको। हमको डेप्रिसिएशन हम इस हिसाब से तो लेते नहीं है। डेप्रिसिएशन हम किसके हिसाब से लेते हैं? टैक्स के हिसाब से। तो सेल्स में से ये सब खर्चे माइनस कर देते हैं और ये भी खर्च माइनस कर देते हैं, तो जो नाम आएगा उसका नाम क्या रहेगा? सी एफ बी टी। और फिर क्या निकाल लेंगे? इंक्रीमेंटल सी एफ बी टी। हाँ, ये भी बात सही है, पर डब्ल्यू डी बी मेथड है। एक बार ऐड नहीं होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, कितना? 5 साल है ना। वाओ, 10 साल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले एक मशीन का काम खत्म करेंगे, फिर दूसरे मशीन का काम खत्म करेंगे। हाँ, माइनस कर देंगे, फैक्टर को तो गोली मारो। फैक्टर है ना भाई। हाँ, एक मैं तरीका बता सकता हूँ सीएफबीटी निकालने का। पीबीटी में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो या ऐसे माइनस करने के लिए इसमें इसको ऐड कर दो ना यार। इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? सीएफबीटी। और फिर क्या निकाल लेंगे? इंक्रीमेंटल सीएफबीटी। तो और इसके अलावा डिस्काउंटिंग रेट 10% लेना, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स बोला, प्रेजेंट वाले फैक्टर दिया। तो पहले वर्किंग करें कि पहले हम लोग टेबल बनाए, टेबल बना लेते हैं, कम से कम कुछ तो नंबर मिलेगा। हाँ, और पहले वर्किंग नोट बनाते हैं ना, तो उसमें दिक्कत होती है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सबसे पहले क्या आएगा? इंक्रीमेंटल पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है? है ना, पता लगा ये पढ़े तो वो सब भूल गए। इंक्रीमेंटल कैसा है फ्लो? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, जीरो, 1 लाख।
टोटल कितना आ गया हमारा 350,000 टोटल ऑफ ए कितने साल चलेगी मशीन 10 साल का फैक्टर कितना ही होगा थोड़ा कम ज्यादा समझ ले 10% वाला तो सभी को याद है 10% वाला 5.46 नहीं बुक के हिसाब से बुक के वैसे 5 पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा लग है ना कितना ये तो काम बाकी है पूरा की पूरा वर्किंग नोट नंबर पहले एक काम करते हैं इंक्रीमेंटल CFBT निकाल लेते ओल्ड और न्यू हाँ ओल्ड न्यू डिफरेंस सेल्स कितना है अच्छा पीबीटी से जाना है तो डिफरेंस फिर नहीं भी लिखते तो भी चलते पीबीटी कितना है 3,07,750 और न्यू 3,00,000 इसमें क्या ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन पक्का इंक्रीमेंटल CFBT सीधा आ जाएगा ये डिफरेंस की जरूरत नहीं थी लिखना हो तो लिख सकते हाँ अब साइड में ही यहाँ लिख लीजिए -348750 अब इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड पर हमको तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा तो हम याद है ब्लॉक ऑफ एसेट्स में हम काम करते थे वैल्यू ब्लॉक निकलते थे
वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाल रहे हैं, उसमें हम कैसे निकलते थे, ओपनिंग WDV कितना है, जीरो। देख लो ओपनिंग WDV जीरो तो नहीं दिया है, जीरो दिया है। गुरुवी का कटवा दिया, अच्छा खासा तो चल रहा था, मतलब वो WDV जीरो है ना यार। बस आप ये कहना चाहते हो इसमें से माइनस होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, पक्का ना? पर कौन सी मेथड है, तो यहां तो जमेगा नहीं काम, लंबा जाना पड़ेगा 10 साल, तो उसके लिए तो अलग ही करना पड़ेगा। यहां से मेरे पास जगह देख रहे 80,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं आपके सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, आपके जगह रहे परचेस कितने का हो रहा भाई मशीन, माइनस क्या करोगे सेल, तो बचा कितना, और अब निकालते हैं इंक्रीमेंटल वैल्यू। मतलब ये WDV ये कब की बात है, जब न्यू मशीन खरीदा तब की, पर ओल्ड मशीन था तब कितने पे डेप्रिसिएशन लगता था ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इसको बोलते इंक्रीमेंटल वैल्यू, एसेट्स 350,000 है अभी, अगर हम नई मशीन खरीदते तो 3.5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा 7.5%, और यहां पहले लगता था ओल्ड मशीन पे, अगर ओल्ड ही रहती तो कितना डेप्रिसिएशन लगता, इसमें से माइनस क्या करेंगे, जीरो। सर ये क्यों टाइम पास करवाया, ऐसे नहीं करवाता तो पिछला वाला क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन ले लेते, उसमें ऐसे ही माइनस किया था मैंने। हाँ ऐसा बोलेंगे बच्चे, आप ही बोलोगे 3 लाख बजा नहीं आता है तो 3.5 लाख पे डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा हमको। बस अब बचा है इंक्रीमेंटल PFAT 1, 2, 3, 4, 5 या चीटिंग करना पड़ेगा 6 और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास 9, 10। क्या सर ऐसे भी क्वेश्चन आए 15-15 साल लाइफ है, हाँ ठीक पहले ही वाला तो CFBT अस्सी हजार अच्छा एक बात बताऊं, जैसे किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है 1,25,000 और हम उसको बेच रहा है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या आएगा, हाँ ऑन कॉस्ट है 1,25,000 10-25%। अच्छा आपका कहना है सर अगर ये होता सेल्स पे तो सेल्स कैसे आता,
166667 कैसे निकला? ऐसा करते हो क्या? एक 25 MU शब्द दिख रहा होगा कैलकुलेटर, MU दबाया 25% ठीक तो but क्या इसका नंबर मिलेगा हमको? नहीं, हमको तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो क्या MU बेकार है? यस, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्टकट है बहुत सारी चीजों का, पर शॉर्टकट लगा नहीं सकते। वो एक ही कंडीशन में लग सकता है शॉर्टकट, अगर आपका मे 24 अटेम्प्ट है, जो कि होगा नहीं, है ना? चलो हाँ, इसके लिए माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन कितने साल का माइनस करना? 10 साल का। ₹26,250 ठीक, 22,460 और सब विश्वास पर तो नहीं दिख रहा है। हाँ, आप भी कैलकुलेट करना, 20,470 आगे 17,770 ठीक, 15,210 13014 चल जाएगा, 1-2 रुपए के लिए कोई इश्यू। सर ये MU वाला आपको पता कहाँ से चला? वो जो कैलकुलेटर आता है, वो रैपर जो होता है, उसके पीछे सब लिखा है ना यार। अच्छा, वो पढ़ेंगे क्यों आप? उसी में लिखा है। 3000 माइनस 2625 अब एक बात बताओ यार, सिंपल यार, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हर बार घटाते बैठे, कुछ जुगाड़ हो सकता है? हाँ, सब में से इसमें जो आती जाएगा 7.5% कम कर लेंगे और फिर वापस घटा घटा कर देखेंगे चेक करने के लिए।
मतलब आपका ये कहना है ये आएगा 49719 बात नहीं बनी क्योंकि ये जो है ये तो रेशो मेंटेन हो रहा पर ये रेशो मेंटेन नहीं हो रहा ना भाई। ये अगर ये भी उसी रेशो में कम होता तो फिर इसको जुगाड़ हो सकता। अस्सी हजार माइनस 24281 कैसे भी नहीं आएगा ये 5 5 7 1 9 आ रहा है। ठीक तो क्या सीधी सी बात है घटाना ही पड़ेगा। हाँ आप ये लिख रहे हो या ये लिखे जा रहे हो आप मुझे बताओगे नीचे वाला लिख रहे हो बताए क्यों मतलब आपको ऐसा लग रहा है आप आगे जा सकते हैं 57,540 ठीक अच्छा अच्छा ठीक 5 2 4 6 3 5 7 9 9 3 1 9 8 पता लगा टैक्स ही नहीं है कैपिटल गेन टैक्स इग्नोर है यार। मुझे बताओ कि ये आपको मालूम है ना कि एक चीज जो आपके कैलकुलेटर में फिक्स हो गई है इसमें आप टैक्स कैसे निकालते हो तो आपको ऐसा माल लग रहा है कि हम पैट निकालेंगे वो तो हम निकालेंगे नहीं जरूरत पड़े। सुनो सुनो वैसे मुझे ऐसा लगा कि आपको पता होगा नॉर्मली सभी को पता होता है पर जिसको नहीं भी पता होता हो सकता है यूट्यूब में देख रहे हो लोग तो सुनो 0.3 पहले लिखेंगे इंटू 53750 इक्वल टू किया फिर 5571 फिर इक्वल टू किया फिर 575 इक्वल टू किया ऐसा बोल रहा हूँ बार बार हमको 30% लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।
हाँ मैं लिख लिया हूँ मान के चलो। मेन सॉल्यूशन कहाँ है आपका? मेन सॉल्यूशन ए भगवान ऐसा आएगा ना भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 यार दिमाग चलाओ थोड़ा सा, ये तो गलत है आप भी जानते हो, एक साथ थोड़ी नहीं, तो ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना वापस चले हम यहाँ जाए। नहीं मैं पूछ लिया यार किसी के पास कोई हो सकता अभी भी बच जाए, मुझे ऐसा लगा, मुझे तो यहाँ पता लगा कि यार ऐसा होगा करके। सुनो ना यार एक बात और, हर जगह 80 जा रहे हैं, कुछ हो सकता है कि कैलकुलेटर में सोचते हैं ना यार क्या फर्क पड़ता है, 80,000 - 16,125 फिर 16716 इक्वल टू करेगा तो आ जाएगा क्या आंसर, करके देखने में क्या दिक्कत, 80,000 - 16716 नहीं करना पड़ेगा, सुनो हो सकता हो, पहले ये लिखते 16125 - 80,000 हो गया, माइनस में आया हम इग्नोर कर रहे हैं, लिखो 16716 इक्वल टू, फिर 17262 इक्वल टू, हाँ फिर से हो जाएगा ना, कैसे किया मैंने 16 पहले ये वाला लिखा मैंने 16125 फिर माइनस 80,000 पहले करना पड़ेगा फिर इक्वल टू फिर 16716 फिर इक्वल टू कर दिया ठीक। उसके बाद फिर क्या किया होगा, इसके बाद तो समझ ही गए होगे 17262 फिर इक्वल टू, ऐसे करके करते जाओ, सीएफटी आ गए क्या एक बार बता दोगे थोड़ा सा? सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ICAI ने इस क्वेश्चन को किसी और भी जुगाड़ से कर रखा, अब देखो जुगाड़ समझ रहे, यही लिख दिया है इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, देखो हम जैसे कर रहे वैसे भी कर सकते, और यहाँ फैक्टर 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 फैक्टर, और फिर जब यहाँ लिखा तो सीधा लिख दिया PVCI टोटल में, और पीवीसीओ तो हमारा ऑलरेडी है ही, एनपीवी निकाल लिया,
हाँ वो भी चलेगा, वो तो हमारा वो तो एक हमारा एक अल्टरनेटिव है कि देखो मेन हमारा ऐसे बनता, पर इससे भी डरने वाली बात नहीं है, ये निकल गया हमारा और फैक्टर तो हम यहाँ लिखने ही वाले हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके नीचे नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई करके एम प्लस एम प्लस एम प्लस में डाल देंगे और फिर एमआरसी करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा पीवीसीआई। उसमें से पीवीसीओ तो हमारा मालूम ही है कितना था, 3.5 लाख, सीधा माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाए। आपकी मर्जी, नहीं हाँ जैसा प्रेजेंटेशन कर रहे वैसा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपका पेज खराब ना हो या वन एडजस्ट नहीं हो रहा तो आपके लिए बताया कि मैं आप ऐसे कर सकते, उसमें आपका डबल फायदा। ये सब जब तक लिखेंगे तब तक आपका एनपीवी निकल चुका होगा। ठीक है, ठीक ठीक 6765, 6333, 8933, 8563, 60221, 60904। और एक चीज और बता रहा हूँ आपका टाइम बचाने के, जैसे क्वेश्चन बना रहे हो ना तो इस पेज में आपने वो मेन सॉल्यूशन लिखा तो सीएफएटी इस पेज में निकाला करो, अगर इधर निकालते हो ना तो पेज की आवाज आना स्टार्ट होगी, पहले पलटाओगे फिर पलटाओगे फिर पलटाओगे, देख लो। हमारा तो काम हो गया, हम यहाँ फैक्टर लिख रहा है, वाह कोई तो है मेरे साथ में। अच्छा तो वैसे ही जा रहे कौन पेज पर। फैक्टर्स 909 पक्का, तीन डिजिट, तीन डिजिट 8267516836621 ठीक, 5645134674243386 that's it. PVP. PVCI. हाँ ये तो हमको अलग अलग दिखाना नहीं है, उतना इंस्टीट्यूट भी नहीं दिखाता। मेरा क्यों बोल रहा, मतलब सभी का। P81 आपका कुछ और आ रहा है क्या, तो आप साइड में बैठे चीटिंग हो आपका। आप अच्छा आप दोनों का मैच हो गया ना आंसर, इसलिए बोल वही तो बोला 381 पर आपका नहीं आ रहा होगा, तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप बता दो आप आपका कितना आंसर आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है, 3 और कोई है। तीन लाख 50,000 माइनस करो, आंसर क्या दिया, चले जोली था क्या यहाँ पे कैसे, वो हम जुगाड़ लगा लेंगे ना उसमें। हाँ ये 35,000 सेल्वेज है,
तो एक काम करो ना, पहले 35,000 जो आया है लिखे हो ना उसको, एक काम कीजिए 35,000 इंटू 0.38 तो कितना आ गया 38104 प्लस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्विस तीस हजार इंटू 35,000 135 10 अब माइनस कर देते हैं पीवीसीओ कितना है 350,000 और भगवान से प्रार्थना करते हैं आंसर आ जाए। एनपीवी कितना आ रहा बुक में, आंसर क्या दिया बुक में, थोड़ा सा अंदर आ गया, हाँ थोड़ा तो चल जाए, चल जाएगा 44,551 ये फैक्टर सही है। हाँ गलत है, ये तीनों पास पास में बैठे हैं तो हो सकता है मतलब इन लोगों ने कहीं गलती किया होगा ऐसा बोल रहे। बोलो कितना आ रहा आपका, कितना 39,46 माइनस 13,510 तो आंसर आना चाहिए 381103। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, मे बी गलती ये हो सकती कि आपने फैक्टर गलत बताया होगा। ये 504 है ना, सिक्स टू टू डबल एक बार चेक कर लो, एक दो तीन चौथे नंबर का एक बार बताओ, 80,000 नहीं, हाँ 80,000 माइनस यहां जो भी आया था टैक्स चौथे साल का, टैक्स सही है कि नहीं, ठीक यहीं से गड़बड़ है पूरा की, यहाँ चौथे साल का गड़बड़ 80,000 है माइनस है 20,776 तो आया 59,224 तो टैक्स आ गया 17,176। कॉपी पेस्ट है ना भाई, नहीं समझ रहे हो, किसी ने मुझे बोला सबने देख कर लिख लिया, आपने बोला होगा कुछ, मैंने लिखा कुछ, मैंने लिखा कुछ तो सबने भी देख के लिखा कुछ ये सब हुआ कहानी, आपने बोला सही, आपने बोला होगा बिल्कुल सही, यही बोला होगा,
हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे गलती हुई होगी। और क्या है, मेरे बच्चे इतना पसंद करते कि सर आग बंद करके लिखने के, हम आप बिल्कुल टेंशन मत लिए। मतलब आपके अलावा सभी ट्रस्ट करते मेरे मुझ पर कोई। नहीं नहीं होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। मैं तो अभी तो बच्चे हैं मेरे सामने, जब मैं खुद रिकॉर्ड करता हूँ तो इतनी गलतियां होती हैं, वो बाद में पता लगती है जब क्लास पहुंच जाती है बच्चों के। ये बताओ भाई, प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना? निकाल लो दे। दो चार रुपए कम और ज्यादा क्या, पॉजिटिव तो करना चाहिए। चौवालीस हजार 613 एमबीबी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, लिख लो। इस क्वेश्चन पे आओ, पेपर खोलो, पिछला पेपर, पहला भी पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री मिल गए। देखिए अच्छा, मेरे पास, मैंने सजेस्टेड से आंसर कॉपी किया तो इसमें मेरे पास आंसर लिखा हुआ, तो मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक, हाँ एक बार पढ़ते तो है कि लिखा क्या। अब फॉर्म है, अरे वाओ गाड़ी की जरूरत है भाई इसको। और थ्री व्हीलर चाहिए, सुन एक, इसको ऐसा लग रहा हो कि हम खरीद लेते हैं 150,000 और कितने साल तक चलेगी वो, 10 साल। दूसरा है सेकेंड हैंड खरीदते हैं, 80,000 की आएगी, कितने साल चलेगी, 5 साल, और जब 5 साल हो जाएगा फिर सेकेंड हैंड खरीद लेंगे, उसी में जिंदगी चलाना। फिर अपना फॉर्म कहना अनदर सेकेंड हैंड, कितने की, 60,000 की, और कितने साल चलेगी वो भी, 5 साल। अब आपके पास ऑप्शन है नहीं खरीदे या दो बार करे आप। ये तो 1.5 लाख आज जाएगा ना भाई, और आज कितना जाएगा, 80,000, आप ही तो बता रहे थे भी थोड़ी देर। और 60,000 कब जाएगा, ये 60,000 कब जाएगा, मतलब 5वें साल के एंड में। स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिस्कार्डेड व्हीकल विल इक्वल टू 8WDV। हे भगवान, स्क्रैप वैल्यू किसके बराबर रहेगा, WDV। स्क्रैप वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू WDV के बराबर रहेगा। हाँ चलो, मतलब टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। टैक्स का रेट कितना है, 30%। वाओ WDV 25%।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है पहले सुनो 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 मेरी बात, सबसे पहले यार नई गाड़ी खरीदते कितने की आएगी, 1,50,000 की गाड़ी है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। डेप्रिसिएशन पे क्योंकि यहाँ कुछ इनकम नहीं बता रहा कि कुछ कैश इनफो, बस आपको ये देखना है कि खर्चा कितना, खर्चा तो 1,50,000 रुपए है। रनिंग कॉस्ट के विषय में कुछ बताया नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग देखना पड़ेगा आपको, याद है ना ऐसा क्वेश्चन किया था, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन हर साल का अलग अलग आएगा, तो टैक्स सेविंग्स भी अलग अलग, तो कॉस्ट ऑफ मशीन में से टैक्स सेविंग्स माइनस करेंगे और जो आएगा देखेंगे कितना पैसा जा रहा है नेट। अगर हम नई गाड़ी खरीदते, अगर ओल्ड लेते तो आ जाएगा 80। डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितने साल तक, कौन सा मेथड, WDV, 5 साल बाद खत्म, फिर 60,000, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे कौन सा मेथड, WDV, कितने साल तक, 5 साल। तो अभी तक जो क्वेश्चन में कर रहे थे अभी जो, उसमें एक ही बार डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, इस बार 2 बार लगाना पड़ेगा 10-10 साल तक। ठीक, कौन से अटेम्प्ट में आया था वैसे, उनके इसमें तो ये सिंपल क्वेश्चन आए, तो देखोगे ना तो मैं दिखाऊंगा। तो भगवान का नाम लेकर बनाए, नई गाड़ी खरीदना है कि सेकंड है, पहले नहीं खरीदते। ठीक, थ्री व्हीलर न्यू व्हीकल, नई गाड़ी खरीदते हैं, टेबल बनाए, अभी तो ये डिसाइड नहीं हो रहा कि हम ऐसे बना रहे कि ऐसे वाला बना रहे, बना कितना परसेंट है डिस्काउंटिंग रेट, 12%। कैश आउटफ्लो ही निकलना है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल 0। अच्छा न्यू वाला है ना, कितना जाएगा, 1,50,000, 1,50,000, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 1 रुपए को आज मैं बैंक में जमा करता हूँ और आज ही जाके निकाल लेता हूँ तो कितना मिलेगा, 1 रुपया, मतलब वही होता है फैक्टर है, 0.909 मतलब हाँ आज 0.909 जमा करेंगे तो कल 1 रुपए मिलेगा। हाँ 1 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ अगर आप ये मतलब पॉइंट की बात का नहीं लिखना, पैसा बोल रहे हो क्या, तो बाकी सब पॉइंट के बाद ही आने। ठीक है, तो ये मजबूरी बन जाती है।
मैं नहीं देखूंगा, पूरे जमाने भर के लोग देखेंगे, तो सुनारी बात है, ये तो पूरा डालने वाला है यूट्यूब में। अब यहां कुछ आएगा यार, क्या आएगा जरा बताना, डेप्रिसिएशन हमको ये देखना है कि भैया पैसा कितना लग रहा है, डेप्रिसिएशन से क्या फायदा है, टैक्स सेविंग्स होगा, तो यहाँ सीधा लिखते हैं ना टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन, ठीक। उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, फिर क्या निकालेंगे, टैक्स सेविंग्स, या फिर कुछ जुगाड़ लगाएंगे अगर लगता है तो। टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन कितना साल तक, एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस, मशीन कितने की, 1.5 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट क्या भाई, 25%, 1,50,000 का, और उसका 30%, 11,250। ये सुनो ना मेरी बात, हर बार 25-25 डेप्रिसिएशन तो निकाल सकते हो ना, 1,50,000 × 25% किया, फिर -25%, -25%, -25%, तो एक थोड़ा सा सोच के देखते हैं यार, जिस रेशियो में डेप्रिसिएशन घटेगा उस रेशियो में टैक्स भी तो घटेगा, तो 11,250 -25% कर लेते हैं, फिर -25% कर लेते, एक बार लिख के देखेंगे, फिर चेक कर लेंगे, गलत होगा तो काट देंगे। है ना, पक्का ना, अगर गलत हुआ तो काट देंगे, मैं ये कहा, नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी आ सकता, पर आ भी सकता कि नहीं आ सकता वो नहीं मालूम। आ रहा है तो लग गए लोट, 11,250 - 25 8437 3738 -25% 6328 -25% 4746 -25% 3550 2670 -25% 2000 -25% 1500 तो 1126 8 45 और बच्चे मालूम है डाउट लेकर क्या आते हैं बाद में, सर ये लिखा हमने कहाँ से लिखा था, ये समझ में नहीं आ रही, आया कहाँ से, ठीक आप देख लेना वो कैसे आए। सेल्वेज तो नहीं है ना भाई इसमें, है सेल्वेज भी है, पहले इसको तो मल्टीप्लाई करो फिर सोचते,
कोई बात नहीं चलेगा, आंसर लाइक नहीं हो रहा ना आपका। अभी भी क्या ऐड करना है? साल बाद कितना पैसा? दस साल बाद कितना पैसा मिलेगा? जो WDV होगा ना वही बुक वैल्यू, वही सेल्स कंसंट्रेशन होगा। दस साल बाद का WDV बता दो। एट फोर फोर सेवन कैसे निकाला? पॉइंट कितना डेप्रिसिएशन है? 0.75 मतलब 25%। 0.75 इंटू 150,000 कितने बार इक्वल टू करना है? 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8447। हाँ पता लगा कि कुछ और करने जा रहा है, कुछ और चले गए। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दोगे और निकाल लो कितना आ रहा है। मुझे नहीं मालूम, आंसर आना चाहिए आपका या तो ये या तो ये। आंसर आना चाहिए फाइनली आपका 117452। चलेगा चलेगा, थैंक गॉड। 117450 ठीक। चलो कौन सा ये वाला? ये मैंने सजेस्टेड आज आपको करवाना था, सजेस्टेड से कॉपी करके लाया हूँ सीधा आंसर। ठीक, तो अभी क्या है, नई गाड़ी की विषय में बात हुई है, तो नई गाड़ी अगर हम खरीदते हैं तो टोटल मिलाकर हमको पड़ रहा है 117452 कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, पूरा सब कुछ टैक्स सेविंग्स वगैरह कंसीडर करने के बाद। अब खरीदेंगे कौन सी गाड़ी? सेकंड हैंड। तो बात
आज यही जीवन है मान के हाँ सब एक ही में निपटाते पूरा नहीं नहीं दो बार नहीं बनाए यहाँ क्या हो जाएगा भाई ईयर प्रेजेंट वाले फैक्टर कितना परसेंट 12% अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट 0 1 हाँ सब एक साथ ही करना हाँ यार दोनों गाड़ी आज ही थोड़ी खरीद रहा है दोनों को इसी टेबल में लिखेंगे रुक कर लिखेंगे पास 5 जाएगा फिर उसके बाद नीचे जाएगा पक्का आगे संभाल नहीं पाओगे क्वेश्चन दिक्कत ही है तो टर्मिनल वैल्यू 2 रहेगी टर्मिनल वैल्यू 2 डेप्रिसिएशन अलग अलग रहेगा पहले 5 साल अलग रहेगा अगले 5 साल तो प्यार देकर और पेपर चेक करने वाला घूम जाएगा हे भगवान अब क्या होगा भाई टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन वन टू थ्री फोर फाइव कैसे करोगे 80,000 × 25% × 30% तो कितना आया 6,000 4,000+ 0.892 0.797 0.711 6,8 6,35 0.56 5P 5 2 3587 2601 1607 1007 टर्मिनल वैल्यू 50 ईयर में 1,8,9,8,4,5,6,7
साथ में कर लेंगे ना सब, पूरे 10 साल का कर ही रहे हैं। फिर से मशीन खरीद रहे हैं, कॉस्ट 8,000, पैसा जा रहा है ना, कब जा रहा है? छठवे साल का बिगनिंग ले लो या पांचवे साल का एंड ले लो, एक ही बात, पांचवे साल का फैक्टर आएगा। इससे ठीक है 0.360 तो 60,000 का 3,75,25,31,18,142 पहले वाला 2,277 1,526 1,020 ठीक है 6,83,45 टर्मिनल वैल्यू 10वें साल में 0.322 1,42,38 4,58 हाँ जी 7,868 चले तो नई गाड़ी की पुरानी गाड़ी सेकेंड हैंड इज बेटर, दिखावे पे मत जाओ, सेकेंड हैंड खरीदो ज्यादा अच्छा है, गाड़ी लिखना पड़ेगा वहां की तो क्या अच्छी तो
मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था आज के, काफी कुछ काम होगा अगर आज ICAI का आंसर है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क है जिसका आंसर ये है। रिप्लेसमेंट पे आप क्वेश्चन संभालने की स्थिति में नहीं होते मेरे बिना, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं दे, बस वो एक ही क्वेश्चन 328964.45। बस यहाँ ध्यान देना, लिखा है डज नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट इफ यील्ड लेस देन 12%, मतलब समझ रहे हो ना क्या बोला, डिस्काउंटिंग मतलब डिस्काउंटिंग रेट 12%। और कास्ट ब्लॉक ऑफ एसेट ना लिखा हो तो कितना मजा आता, ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो इग्नोर कैपिटल गेन। बाकी तो क्वेश्चन किया किया जैसा लग रहा है। अच्छा क्वेश्चन बनाओगे मजा आएगा। फिर भी यार जो समस्या होने वाली ना वो डेप्रिसिएशन पे होने वाली, डेप्रिसिएशन पे होने वाली है ओल्ड मशीन। एक बार सिर्फ डेप्रिसिएशन वाला पार्ट डिस्कस करूं तो ओल्ड मशीन की करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 लाख, 3 लाख। और बुक वैल्यू क्या कहीं दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, क्या बोल रहा है कि 3 साल हो चुके हैं और कितनी लाइफ बाकी है अभी, 5 साल। मतलब जो मशीन 3,30,000 की थी, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या दिया हुआ है 20%, जबकि 3 साल हो चुके हैं, तो क्या उसका बुक वैल्यू निकल सकता है आज 3,30,000 माइनस 20% माइनस 20% माइनस 20% 10 काटने की क्या जरूरत, 168 968 960। ओके ठीक से यहाँ की बात कर रहे, सुनो ना सुनो, ओल्ड पे तो चल ही रहा था डेप्रिसिएशन, इस पे आगे से आने वाले कितने साल बस हैं, 5 साल। कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है, 20% WDV। अब इस ब्लॉक को निकालते, अगर नई मशीन खरीदते हैं तो ब्लॉक कैसे निकालते, वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक यहाँ कितना, ओपनिंग WDV कितना है 168960 प्लस 10 लाख माइनस 2 लाख 968960। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालते तो दिस माइनस दिस इनटू 20% फिर माइनस 20% फिर माइनस 20%। ठीक संभाल लो गया मुझे, तो आंसर है, फाइनल आंसर है NPV। कौन सी कॉपी में करोगे, क्लास वर्क की होमवर्क, क्लास वर्क में ही करना, क्वेश्चन अच्छा है ये, पर क्लास वर्क में डायरेक्ट मत कूद जाना, काटना भी पड़ सकता है ना, तो पहले रफ में देख लेना एक बार फिर क्लास वर्क में। ठीक है आज के लिए सफिशियंट है, कल रिप्लेसमेंट खत्म हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है।